स्वागत है बच्चों, आप सबका डीजी इंग्लिश हब चैनल में। आपके बोर्ड एग्जाम्स के मद्देनजर मैं लगातार प्रयास कर रही हूँ कि आपके लिए मैं इंग्लिश टेक्स्ट बुक चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को आपके साथ डिस्कस करूँ। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिट 3 भी भारत आवर लैंड पोएम के इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इस पोएम के पोएट है सुब्रमण्य भारती और इस पोएम के टोटल 3 स्टैंजाज है। तो चलिए हम स्टैंजा वाइज क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। फर्स्ट स्टैंजा जिनमें से मैं सवाल करूंगी वो स्टैंजा एक बार हम पढ़ लेते हैं। द माइटी हिमावंत इज आवर्स, देयर इज नो इक्वल एनीवेयर ऑन अर्थ। द जेनरस गंगा इज आवर्स, विच अदर रिवर कैन मैच हर ग्रेस। द सेक्रेड उपनिषद्स आर आवर्स, व्हाट स्क्रिप्चर्स एल्स टू नेम विद देम। दिस सनी गोल्डन लैंड इज आवर्स, शी इज पियरलेस, लेट अस प्रेजर। अब चलते हैं क्वेश्चन 1 पे। द सेक्रेड उपनिषद्स आर आवर्स, उपनिषद इज नेम ऑफ अ, ऑप्शंस होली रिवर, होली माउंटेन, होली प्लेस, होली बुक। तो फर्स्ट स्टैंजा में ये जो वर्ड है बच्चों उपनिषद्स, उपनिषद्स नाम है दरअसल एक धार्मिक ग्रंथ का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, होली बुक। जिस तरह से गीता है, रामायण है, महाभारत है, वैसे ही उपनिषद्स भी एक धार्मिक ग्रंथ या होली बुक का नाम है। क्वेश्चन नंबर 2। इन द पोएम विच एडजेक्टिव हैज बीन यूज्ड फॉर गंगा। बच्चों एडजेक्टिव यानी विशेषण और इसके ऑप्शंस हैं ए माइटी, बी जेनरस, सी गोल्डन, डी सेक्रेड। तो यदि आप फर्स्ट स्टैंजा में ढूंढेंगे तो गंगा के साथ में जिस एडजेक्टिव का इस्तेमाल हुआ है वो है ऑप्शन बी, यस जेनरस। हमारी जो गंगा नदी है वो बहुत उदार है तो जेनरस होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन 3। स्टैंजा के अंतिम लाइन में पोएट कहते हैं शी इज पियरलेस, लेट अस प्रेज हर, हु इज शी। तो इस वाक्य में शी जो प्रोनाउन है या सर्वनाम है वो किसके लिए इस्तेमाल किया गया है। ऑप्शन ए द गंगा, ऑप्शन बी द हिमावंत, ऑप्शन सी आवर मदरलैंड इंडिया, या ऑप्शन डी द सेक्रेड उपनिषद्स। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आवर मदरलैंड इंडिया। यहाँ पे भारत देश की बात हो रही है कि वह पियरलेस है, अतुल्य है, लेट अस प्रेज हर। क्वेश्चन 4 वोकैबुलरी बेस्ड है। फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पोएम विच मीन्स इक्वल टू और बेटर देन अनादर इन स्ट्रेंथ। और इसके ऑप्शंस है ए सेक्रेट, बी माइटी, सी पियरलेस एंड डी ग्रेस। अब इन चार ऑप्शंस में दो ऑप्शंस आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, एक है माइटी और एक है पियरलेस। तो आप यदि यहाँ पे इस फ्रेज को देखें तो इक्वल टू बराबर का या बेटर देन जो ज्यादा अच्छा हो दूसरों के मुकाबले, तो यहाँ पे माइटी का मतलब है ताकतवर, पर जिस शब्द का इसका अर्थ सही बैठेगा वो हो जाएगा पियरलेस, जो दूसरों से बेहतर हो। तो इसका राइट आंसर होगा सी पियरलेस। क्वेश्चन 5। इन द फर्स्ट स्टैंजा द पोएट डिस्क्राइब्स द, डिस्क्राइब्स यानी वर्णन। पोएट किस चीज का वर्णन कर रहे हैं पहले स्टैंजा में। ए नेचुरल ब्यूटी ऑफ इंडिया, भारत की प्राकृतिक सुंदरता या फिजिकल फीचर्स के बारे में। ऑप्शन बी कल्चर ऑफ इंडिया, भारत की संस्कृति। ऑप्शन सी होली स्क्रिप्चर्स ऑफ इंडिया, भारत के धार्मिक किताबें या ग्रंथ। या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो यदि आप फर्स्ट स्टैंजा को देखें, फर्स्ट स्टैंजा में माइटी हिमावंत की बात हुई है, जेनरस गंगा की बात की गई है, सेक्रेड उपनिषद्स की भी बात की गई है एंड द सनी गोल्डन लैंड इज आवर्स, शी इज पियरलेस, लेट अस प्रेज हर। यानी पोएट ने हमारे देश के प्राकृतिक सुंदरता के बारे में भी बात की है, हिमालय गंगा की बात जब आती है, हमारे कल्चर के बारे में बात की है, हमारे उपनिषद्स के बारे में बात की है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द अबव। लेट अस गो टू सेकंड स्टैंजा। गैलेंट वॉरियर्स हैव लिव्ड हियर, मेनी अ सेज हैज सैंक्टिफाइड दिस लैंड, द डिवाइनेस्ट म्यूजिक हैज बीन हर्ड हियर एंड हियर
all auspicious things are found. Here Brahma knowledge has taken root and the Buddha preached his Dhamma here. Of hoary antiquity is Bharat. She is peerless. Let us praise her. कुछ वर्ड्स जो इस स्टैंजा में कठिन लग सकते हैं, गैलेंट यानी ब्रेव या बहादुर, वॉरियर, सोल्जर या सैनिक, सेज यानी होली मैन, संत या ऋषि, सैंक्टिफाइड, सैंक्टिफाइड यानी किसी को पवित्र करना, मेड होली, डिवाइनेस्ट, ऐसी कोई भी चीज जो आपको कनेक्ट करती है गॉड से, आपको ईश्वर, ईश्वरीय शक्ति से जोड़ती है, ईश्वर से जोड़ती है. होरी, होरी यानी ग्रे और वाइट एज इफ ऑफ एज. किसी चीज को अगर हम सफेद या रुपेले में देखते हैं, रुपेले रंग में, तो कहीं ना कहीं वो अनुभव का प्रतीक होता है. तो समय के साथ वो सफेद पड़ता है, तो वहां है होरी. और ये किसके साथ जुड़ा है? एंटीक्विटी यानी एंशियंट डेज, हमारे जो बीते हुए दिन है, जो महान दिन है, उसके बारे में बात की गई है. होरी एंटीक्विटी या सिल्वरी एंटीक्विटी. अब आते हैं क्वेश्चंस पे. क्वेश्चन नंबर 6. अकॉर्डिंग टू द पोएम हु हैव प्यूरिफाइड आवर लैंड, हमारे धरती को किन्होंने पवित्र किया है? तो इसके ऑप्शंस है ए वॉरियर्स, बी सेजेस, सी ब्रह्मा एंड डी बुद्धा. तो यदि आप देखिए, सैंक्टिफाइड वर्ड जो था उसका अर्थ या सिनोनिम है प्यूरिफाइड, तो हमारी धरती को पवित्र बनाया है ऋषि और संतों ने. तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी सेजेस. आप एग्जाम के वक्त भी सवालों को बहुत ध्यान से पढ़े ताकि आप सही ऑप्शन का चुनाव कर सके. क्वेश्चन नंबर 7. इन द पोएम द टर्म एंटीक्विटी, अभी हमने पढ़ा, स्टैंड्स फॉर, एंटीक्विटी का अर्थ है बैड डेज, ग्रेट एंशियंट डेज, रिफॉर्मेटिव डेज या सोरोफुल डेज. तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारे बीते हुए पुराने दिन, जो महान दिन है. तो ऑप्शन बी ग्रेट एंशियंट डेज. क्वेश्चन नंबर 8. हियर ब्रह्म नॉलेज हैज टेकन रूट, अब ये फ्रेज ली गई है सेकेंड स्टैंजा से और पूछा जा रहा है कि द अंडरलाइंड फ्रेज मीन्स, अंडरलाइन यानी रेखांकित, जिन शब्दों को रेखांकित किया गया है, has taken roots, इसका अर्थ होगा A established, B accepted, C planted या D both A and B. तो बच्चों, किसी चीज में यदि हम has taken root कहते हैं, यानी उसने जड़े यहां पकड़ी है, तो उसका अर्थ हो सकता है कि वो यहां स्थापित की गई है, एस्टैब्लिश की गई है, या उसको यहाँ मान्यता दी गई है, एक्सेप्ट किया गया है. तो आपका राइट ऑप्शन होगा इस केस में एस्टैब्लिश्ड या एक्सेप्टेड, बोथ ए एंड बी, दोनों ही हैज टेकन रूट के अर्थ में सही हैं. क्वेश्चन नंबर 9. विच वर्ड इन द सेकेंड स्टैंजा रिप्रेजेंट्स द बुद्धास टीचिंग्स, किस शब्द को हम बुद्धास टीचिंग के लिए कह सकते हैं? ऑप्शंस है ए ऑस्पिशियस, बी धम्मा, सी होरी एंड डी एंटीक्विटी. तो यदि आप सेकेंड स्टैंजा को देखेंगे तो वहां पे एंड द बुद्धा प्रीच्ड हिज धम्मा हियर, आप देख पा रहे, तो ये जो धम्मा की बात हो रही है, यह हो गए बुद्धा के बताए हुए सीख. तो इसका सही आंसर होगा धम्मा. बुद्धा के टीचिंग्स को ही हम धम्मा के नाम से जानते हैं. इसे हम एक रिलीजन या धर्म नहीं कहेंगे, ये उनके द्वारा बताए हुए सत्संग के मार्ग हैं. अब आते हैं स्टैंजा 3 पे. डेंजर शैल नॉट स्केयर अस एनी लॉन्गर एंड पॉवर्टी शैल नॉट सियर आवर सोल्स, सेल्फ इंटरेस्ट शांट ड्राइव अस टू मीननेस एंड कावर्डली इंडिफरेंस शैल सीज फॉर एवर. Here our land overflows with milk and honey, and perennial is the supply of fruit and corn. Ours is the famed Aryan land of Bharat. She is peerless. Let us praise her. तो इस stanza में first question है, choose the word that is not an abstract noun. कौन सा शब्द abstract noun या भाववाचक संज्ञा नहीं है? ऑप्शन है ए डेंजर,
बी पॉवर्टी, सी मीननेस एंड डी पियरलेस। तो इन चार ऑप्शंस में बच्चों जो वर्ड भाववाचक संज्ञा या एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है वो है ऑप्शन डी पियरलेस, क्योंकि यह एडजेक्टिव है, ये विशेषण। क्वेश्चन 11, द पोएम भारत आवर लैंड इज रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, थॉमस हार्डी, सुब्रमण्य भारती या रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो इसका राइट आंसर होगा यस ऑप्शन सी सुब्रमण्य भारती। आते हैं अगले सवाल पे। थर्ड स्टैंजा से ये लाइंस लिए गए हैं। हियर आवर लैंड ओवरफ्लोज विथ मिल्क एंड हनी एंड पेरिनियल इज द सप्लाई ऑफ फ्रूट एंड कॉर्न। यहाँ पे दूध की गंगा बहती है, दूध और शहद की, और सप्लाई जो है फलों की या धन की वो कभी खत्म ही नहीं होती है, वो पेरेनियल है। तो दीज लाइन्स एक्सप्रेस द आइडिया ऑफ, ये लाइन्स हमें क्या बताते हैं, उसका मुख्य उद्देश्य या मुख्य आइडिया क्या है। ऑप्शंस है रिचनेस, अबंडेंस, ब्रेवरी या सेल्फ इंटरेस्ट। तो यहाँ हर चीज भरपूर मात्रा में पाई जाती है जो बता रहे हैं कवि, मिल्क हो, हनी हो, फ्रूट हो, कॉर्न हो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अबंडेंस, हर चीज यहाँ भरपूर मात्रा में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 13, द पोएट फील्स दैट इंडियंस शैल नो लॉन्गर बी विक्टिम्स ऑफ। पोएट कहते हैं अंतिम स्टैंजा में कि अब हम इन सब चीजों के शिकार नहीं होंगे, विक्टिम होना यानी उनके शिकार बन जाना। पॉवर्टी गरीबी, सेल्फ इंटरेस्ट स्वार्थ, निज स्वार्थ, कावर्डली इनडिफरेंस। कावर्डली इनडिफरेंस में दो शब्द है बच्चों, कावर्डली यानी कि आप जब किसी चीज से डरते हो और आपके डर की वजह से आप दूसरों की चीजों में आप दिलचस्पी नहीं दिखाते हो, आप इनडिफरेंट हो जाते हो। यदि किसी के साथ बुरा हो तो आप उसके साथ में अन्याय होते हुए देखते हो, कि कहीं ना कहीं आपको डर लगता है कि यदि आप उसमें पड़ेंगे तो फिर आपकी परेशानी बढ़ेगी। तो वैसे चीज को हम कहते हैं कावर्डली इनडिफरेंस। और लास्ट में है ऑल ऑफ द अबव। तो पोएट क्या कहते हैं कि हम अब इनमें से किन चीजों का शिकार नहीं रहेंगे, विक्टिम नहीं रहेंगे। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 14, विच वर्ड इन द थर्ड स्टैंजा मीन्स द सेम एज बर्न। थर्ड स्टैंजा के वर्ड्स के ऑप्शंस हैं ए स्केयर, बी सीयर, सी फेम्ड एंड डी सीज। तो इस ये एक वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन है, आपको सारे ही वर्ड्स के मीनिंग इंग्लिश में और हिंदी में समझ में आने चाहिए। इसका राइट ऑप्शन होगा बर्न एवं सीयर। हमारी आत्मा अब नहीं जलेगी, जो कहा गया है थर्ड स्टैंजा में, विल नॉट सीयर आवर सोल्स, यानी हमारी आत्मा बर्न नहीं करेगी। बाकी के अर्थ हैं स्केयर यानी डरना, फेम्ड यानी नाम रोशन होना, और सीज यानी स्टॉप या रोकना। अब आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे इस पोएम से। द आर्यन लैंड, जिस आर्यन लैंड की बात लास्ट लाइन में हुई है, ours is the famed Aryan land of Bharat। आप जानते होंगे कि भारत देश में जो पहले हमारे हमारे जो पूर्वज थे या हमारी जो पहले की पीढ़ियां थी वो आर्यन थे, जिनके द्वारा वेदों की रचना हुई थी। तो पोएट कहते हैं कि आर्यन लैंड जो हमारा है, इसका ये किस चीज को डिजर्व करता है। और इसके ऑप्शंस हैं ए डेंजर, बी हनी, सी प्रेज और डी फेम। तो इसका राइट आंसर होगा सी प्रेज, कि आओ हम सब मिलकर अपनी मातृभूमि का गुणगान करें, लेट अस प्रेज आवर मदरलैंड। तो इसके साथ ही ये एमसीक्यूज खत्म होते हैं और ये पोएम काफी आसान है। आप लोग कोशिश करें कि जितने भी वर्ड्स हैं इंग्लिश और हिंदी में आप उसे रट ले, ताकि कहीं से भी यदि सवाल आपसे पूछा जाए तो आप उनके जवाब दे सके।